नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है आपका एमएनसी आईटी कंपनी सिलेबस और पैटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ। मल्टीनेशनल कंपनी के सिलेबस और पैटर्न्स की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, देखते रहे। मल्टीनेशनल कंपनीज में पहले तो कंपनीज की एक बहुत लंबी लिस्ट है, ये लिस्ट है आपको ग्रुप के हिसाब से मैं आपको सेंड कर दूंगा, विप्रो, टीसीएस, डेव स्क्वायर, क्यूनॉक्स से माइक्रो फोकस, क्वालकॉम, कार्लसॉफ्ट से मोटोरोला, कोक्यूबिस, एलिटमस, बिल्डा सॉफ्ट, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। ये सारी कंपनियां ध्यान रखिएगा वर्ष में कई बार अपने एग्जाम्स को करवाती है। अब इन कंपनियों के एग्जाम्स के बारे में पता कैसे चलेगा, तो मैंने वेबसाइट आपको बता दी है, आप वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको इन मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जाम्स मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इन कंपनीज के पैटर्न्स के बारे में मैं आपसे चर्चा कर ले रहा हूँ, क्या आप इस कंपनी में का आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पहला न्यूमेरिकल रीजनिंग मैंने पिछले बार में बताया था, इस बार भी आप लिख लें एक बार फिर से, न्यूमेरिकल रीजनिंग आप अपनी अच्छी कर ले मल्टीनेशनल कंपनी के लिए। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, न्यूमेरिक रीजनिंग, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चौथा इंग्लिश। आपको चार चीजें मजबूत करनी है। हम यहाँ पे आज इन मल्टीनेशनल कंपनीज के थर्ड आपका न्यूमेरिकल रीजनिंग और फर्स्ट, हाँ ठीक है, जो मैंने बताया था बताओ क्या, न्यूमेरिकल रीजनिंग, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर क्या, इंग्लिश, चार चीज आपको बताई गई। इसमें भी आपको ध्यान रखना है आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेस्ट जो है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेस्ट में ध्यान रखिएगा आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, पाइथन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेस्ट में सबसे ज्यादा आपको पढ़ना चाहिए पाइथन कोडिंग, दूसरा जावा कोडिंग, पाइथन का बेसिक, जावा का बेसिक, सी एंड सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस, ओरेकल एंड डीबीएमएस, ये लिख लो, ये सब तैयारी आपको करनी है, पाइथन, जावा, ओरेकल, सी एंड सी प्लस प्लस और डेटा स्ट्रक्चर। ये पांच छह चीजें अगर आप करते तो आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हो, आपको शायद पता नहीं, आप नेट के एग्जाम क्वालिफाई करके सीधा कहा जा सकते हो, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आप बन सकते हो, रिसर्चर आप बनने के लिए भी यही सिलेबस है, जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए भी सिलेबस यही है, सारा सिलेबस जो अपर हैंड जो लोग खेलते हैं उनका सिलेबस यही है, और साथ में बेसिक रीजनिंग, बेसिक मैथ्स, बेसिक इंग्लिश आपको बढ़ने चाहिए, ठीक है। इसमें एमएस वर्ड नहीं, एमएस ऑफिस नहीं आता, हमारे पीटी से वास्तव से एमएस वर्ड एक्सेल के एक आध सवाल शायद दिख जाए, वो नहीं आएगा आपका। साथ साथ में एक पॉइंट और लिखिए, नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम एक कंपनी के पेपर को सॉल्व करके करेंगे, जो हमारा लास्ट सेक्शन था जो मैंने कल बताया था, मल्टीनेशनल कंपनी में जाने की इच्छा कितने को है,